अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के बारे में ही मज़ीद बात करेंगे। डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर जो लॉग्स होते हैं वो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि लॉग्स होते क्या हैं। एक्चुअली किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है वो लॉग्स है। तमाम डॉक्यूमेंट्स के लॉग बनाए जाते हैं और फिर वक्तन फ़क्तन जब ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से डॉक्यूमेंट्स की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग होती है। लॉग्स को सिंपली लॉग्स भी कहते हैं, ट्रैकिंग लॉग भी कहते हैं, इंजीनियरिंग लॉग भी कहते हैं। तो चलिए आज एक एक करके हम इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने जो सबसे पहले खुला हुआ है ये प्रोजेक्ट शॉप ड्राइंग का लॉग है। यहाँ पे लोगो होगा, नॉर्मली ये डेट है एज ऑफ टुडे, ये फार्मूला लगा हुआ है अगर आप यहाँ पे देखें तो। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस और फिर ये लेजेंड है। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर यहाँ पे ए होगा तो उसका क्या मतलब है, बी होगा तो क्या मतलब है, सी है रिवाइज सबमिट है, डी है रिजेक्टेड है, पी है इशू फॉर अप्रूवल है, सो एंड सो ऑन सारा। तो ये कॉलम्स के बारे में बता सकते हैं, ये सीरियल नंबर है, ये डॉक्यूमेंट सबमिटर है, ये शॉर्ट ड्राइंग का जो ट्रांसमीटर हम बनाएंगे उसका ये नंबर है। उसके अलावा जो सेकेंड है वो कंसल्टेंट का रेफरेंस आ जाता है अगर कोई होगा तो। लेवल मतलब अगर मल्टी स्टोरी को बिल्डिंग है तो उसके किस फ्लोर की ये ड्राइंग है। तीसरे नंबर पे ड्राइंग की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि ये ड्राइंग है क्या, फिर ये ड्राइंग नंबर, उसके बाद ये शीट, ये शेड्यूल्ड सबमिटेड डेट। एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है उसकी एक टाइमलाइन होती है कि कौन सी डेट से वो शुरू होगा और कौन सी डेट को वो ख़त्म होगा। तो ये जो डेट है ये उसी शेड्यूल से ली जाती है और उसके बाद ये जो एक्चुअल डेट होती है जिस डेट को हम ये शॉर्ट ड्राइंग सबमिट करते हैं और ये कमेंटेड डेट होती है कि जिस डेट के को कंसल्टेंट वो ड्राइंग कमेंट करके हमें वापस कर देता है, टाइम कितना लगा है, अगेन ये फार्मूला होता है और उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, ए है बी है और कौन सा कंसल्टेंट है जिसने ये सब किया है। अब ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर टोटली फार्मूले होते हैं, अगर आप देखें तो ये इफ का फंक्शन लगा के और ये फार्मूला है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये पूरी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी फार्मूला है, यहाँ पे भी फार्मूला है, यहाँ पे भी फार्मूला है, मतलब ये फाइनल स्टेटस है। ये एक्चुअली यहाँ से पिक करते हैं, ये वाली जो रॉ का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से ये पिक करते हैं, जो लेटेस्ट होता है वो उठा लेते हैं। अच्छा, एक और बात ये कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस शीट को लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि यहाँ पे ए है, ए है तो इसका जो कलर है वो ये है और अगर हम यहाँ पे बी लिख देते हैं ए की बजाय तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसी तरह से अगर हम X लिख देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बनाया गया है। तो ये तो थी शॉप ड्राइंग लॉग। अभी हम आपके सामने जो ओपन करेंगे वो है मटेरियल सबमिटर लॉग। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी मटेरियल यूज करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो मटेरियल के डॉक्यूमेंट्स लेके आता है और उन डॉक्यूमेंट को फिर सबमिट करता है, जिसके अंदर टेक्निकल डाटा शीट, उसके सर्टिफिकेट, उसकी स्पेसिफिकेशन सारी होती है। तो वो मटेरियल सबमिट करता है कंसल्टेंट को, कंसल्टेंट उसको अप्रूव करता है और अप्रूव होने के बाद फिर वो मटेरियल लेके आता है और इसको साइट पे यूज किया जाता है। तो इसका भी पैटर्न देख लें, यहाँ पे कंपनी लोगो, ये मेरा लोगो है, यहाँ पे मटेरियल सबमिटर, ये जो टाइटल है उसका हैज ऑफ टूडे, ये यहाँ पे फ्रीज पैन लगा हुआ है, शायद नहीं फ्रीज पैन नहीं है। तो ये डेट आ जाएगी, ये लेजेंड आ जाएगा जो पिछले बार मैं बता चुका हूँ शॉप ड्राइंग सबमिटर लॉग में, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही है थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, ये प्रोजेक्ट एड्रेस है और इसी तरह से इसके भी ये सारे कॉलम्स है, सीरियल नंबर है, रेफरेंस नंबर है, कंसल्टेंट का रेफरेंस है, उसके बाद रिविजन नंबर है, मटेरियल टाइप क्या है, मार्बल है या ग्लास है या कुछ है, टाइप ऑफ सबमिटर सैंपल के साथ है, सैंपल के बगैर है, स्पेसिफिकेशन और ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। अच्छा, एक बात ये कि मैंने जितने भी ये लॉग्स हैं ये सारे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक ऐड किया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए, ये फ्री मैंने यहाँ पे बुक कर दिए हैं। तो ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्टर को डॉक्यूमेंट्स इशू कर दिए जाते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, कंसल्टेंट इशू कर देता है तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती या बाज अगर ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन टोटली मिसिंग होती है, तो उसके लिए फिर क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कहते हैं और वो कंसल्टेंट को सबमिट करता है।
कि देखें जी ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये उसका लॉग है, यहाँ पे लोगो, प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद ये नेम और जो भी है, यहाँ पे डेट, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, जो अगर नंबर, ये लेजेंड छोटा सा इसका, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए होगा, या रिप्लाई करेंगे या नहीं रिप्लाई करेंगे, तो ये है। और इसी तरह से ये सारे फिर कॉलम है, रेफरेंस नंबर है, और ये सारा है, ठीक है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो है डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर। डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर क्या होता है, बेसिकली कंसल्टेंट को सबमिट करता है कॉन्ट्रैक्टर काफी इस तरह की रिपोर्ट्स, जैसे कि डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, बाई वीकली रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो वो सारे सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर के अंदर सबमिट होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर का लॉग है, लोगो आ गया, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर लॉग, नेम, डेट आ गई, सीरियल नंबर है, ट्रांसमिटर रेफरेंस है, कंसल्टेंट का रेफरेंस कोई अगर है तो, डिस्क्रिप्शन है कि इसके अंदर क्या क्या वो है, फिर ये किसने इशू किया, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका नाम, इशू जो कंसल्टेंट का प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका नाम आ जाएगा, और डेट, कौन सी डेट को इशू हुआ, कौन सी डेट को रिसीव हुआ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। पांचवे नंबर पे है मटेरियल इंस्पेक्शन। अच्छा, एक है मटेरियल सबमिटर, एक होता है मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल सबमिटर होता है कि मटेरियल साइट पर आने से पहले अप्रूव करवाया जाता है, उसको मटेरियल सबमिटर कहते हैं। लेकिन मटेरियल इंस्पेक्शन ये है कि मटेरियल ऑलरेडी अप्रूव है, अब वो साइट पे आया है, तो जितना मटेरियल साइट पे आया है कंसल्टेंट उसको चेक करेगा, तो उसको जो चेक करवाने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल इंस्पेक्शन ट्रैकिंग लॉग। ये भी वैसे ही लोग को है, टाइटल है, यहाँ पे डेट है, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, और ये पूरा का पूरा इसका आईडी वाला सेक्शन, थोड़ा सा मैं ये नंबर कर दूँगा कि आपको नजर आ जाए, ये लेजेंड है, तो ये स्टेटस लेजेंड जो भी इसी तरह, फिर इसी के इसके भी ऐसे कॉलम है, और ये सारा कॉम्बिश सेम ही है, इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आ गया छठे नंबर पे आपका कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन। कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्चुअली बहुत बहुत कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और क्लाइंट जब साइट पे जाते हैं विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे चलते चलते जो क्लाइंट या कंसल्टेंट कह देता है कि मुझे ये चीज़, ये डोर नहीं चाहिए, या मुझे यहाँ पे ये टाइल नहीं चाहिए, तो वो एक वर्बली इंस्ट्रक्शन दे देता है। अब उस इंस्ट्रक्शन को पेपर पर लाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बनाता है और कंसल्टेंट को भेजता है, और क्लाइंट को भी बात कर देता है कि ये जो आपने हमें वर्बल इंस्ट्रक्शन दी थी, आप पेपर के ऊपर आप लिखें और उसको साइन करें और हमें बताएं हम ये काम करें या ना करें। तो ये उसका लॉग है, यहाँ पे लोगो, टाइटल, लेजेंड, प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, डेट, और ये सारा है। यहाँ पे सीरियल नंबर, CBI का रेफरेंस नंबर, जो कंसल्टेंट है उसका रेफरेंस नंबर, सब्जेक्ट क्या होगा, उस पेपर के अंदर क्या है, पूरी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे, इशू डेट यहाँ पे है, फिर रिप्लाई डेट, और ये सारा इसी तरह से है जैसे पिछले लॉग थे। उसके बाद आपकी याद आती है मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट किसी भी साइट के ऊपर कोई भी काम करने से पहले, फॉर एग्जांपल एक मेथड स्टेटमेंट सबमिट की जाती है कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लॉक वर्क लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, उसका तरीका कार क्या होता है, तो उसका ये लॉग है। ये भी सेम वैसे ही प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, लेजेंड और ये सारे कॉलम, ये जितने भी लॉग हैं ये सारे मैंने एम्प्टी करके आपकी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक बना के डाल दिए हैं, यहाँ से आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। क्लाइंट इंजीनियर इंस्ट्रक्शन, बाद में क्लाइंट या इंजीनियर को इंस्ट्रक्शन देता है अपनी तरफ से, तो उसका ये लॉग है, तो ये इनकमिंग ही होता है, तो इसलिए ये इसका छोटा सा ये फॉर्मेट है, तो ये उसका लॉग है। आगे चलते हैं जी, क्लियरेंस रिक्वेस्ट लॉग। ये नॉर्मली MEP, जो MEP वाले होते हैं उनको इशू की जाती है कि भाईजान ये इस दीवार के ऊपर हम प्लस्तर करने लगे हैं, आपने अपने कंड्यूट्स और सारी जो वायरिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है, तो उसका ये सारा का सारा लॉग होता है, और इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ये लेजेंड है, प्रोजेक्ट नेम है, और ये सारा कुछ वैसे ही है। उसके बाद नौवें नंबर पे है नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। कन्फर्मेंस रिपोर्ट एक्चुअली क्या होती है, बस अगर कॉन्ट्रेक्टर साइड पे काम करता है और काम इस तरह से कर देता है कि कंसल्टेंट कहता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मीन जैसा कि उसको कहा गया था, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर था, कंसल्टेंट उसको कहता है कॉन्ट्रैक्टर को कि आपने ये वैसे नहीं किया, तो वहाँ पे फिर जो कंसल्टेंट है या क्लाइंट है वो नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट इशू करता है, तो फिर नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट जो है उसको भी ट्रैकिंग लॉग के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये एक नहीं होती, काफ़ी सारी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, लोगो और ये सारा उसकी डिटेल।